अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपने नाश्ते और लंच की रूटीन। तो आज बच्चों का जो फेवरेट नाश्ता है वो बनने जा रहा है। मेरे बच्चों का सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट है जो उनके लिए आज मैं रेडी कर रही हूँ। तो बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक किए बगैर मत जाइएगा और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। बाकी सब नए आने वाले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का भी वेट रहता है, सबके मैं कमेंट्स रीड करती हूँ तो बहुत अच्छा मुझे लगता है। मेरी सिस्टर्स बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये मैं अपने लिए नहीं सबके लिए ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह जो भी ये मेहनत कर रहा है उसको बस उस कामयाब करे अल्लाह ताला। तो हर बंदा बहुत लगन से दिल से मेहनत कर रहा है तो इंशाअल्लाह ताला कहते हैं मेहनत कभी रायगा नहीं जाती और इंशाअल्लाह ताला हम सबकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाएगी, हमें एक ना एक दिन फल ज़रूर मिलेगा। तो ये बस हौसले और सब्र का काम है जो हमें करना होगा। तो मैं खुद और मेरे हस्बैंड नाश्ता कर चुके थे तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी और साथ मेरी बेटी बैठी हुई थी। उनको बहुत मेरी बेटी और बेटे को शौक़ है कि वो अपने लिए खुद नाश्ता बनाए। तो अभी उनको मैं चूल्हे के पास ज़्यादा आने नहीं देती क्योंकि अभी इतने बड़े नहीं हुए, फिर भी डर लगता है। तो बच्चों की जितनी भी केयर की जाए तो उतना ही अच्छा है। बच्चों हर बच्चे को तकरीबन ऐसे कामों का शौक़ होता है लेकिन अभी एक एज होती है बच्चों को जब हम ऐसे कामों की तरफ लेके आए। अच्छी बात भी है, इतना सा बच्चे को आना चाहिए कि अगर माँ कहीं बिजी हो या कहीं गए हो तो घर में पीछे बच्चे अपने लिए खुद ना खुद खुद कुछ ना कुछ बना के अपना पेट भर ले। तो थोड़ा बहुत उनको करने देती हूँ लेकिन अभी मैं ज़्यादा नहीं करने देती। तो मेरी बेटी साथ बैठी थी और वो कह रही थी मम्मा सब कुछ चाय दूध में डालते और मैं चाय बना के कप्स में डाल दूँगी। तो वो चाय बना रही थी और मैं साथ बैठी अंडा बना थी रही और थी। मैं अंडा बना रही थी। तो वैसे तो मेरे बच्चे चाय अचार और पराठा भी बहुत शौक से खाते हैं लेकिन ये उनका ये फर्स्ट फेवरेट ये नाश्ता है और सेकंड वो चाय अचार पराठा बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो बाकी ये मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत करती हूँ आप मुझे ज़रूर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मुझे बहुत यकीन माने बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सबके कमेंट्स रीड करने का। तो मैं जहाँ तक हो सके और सबको ही मैं रिप्लाई करती हूँ। बाकी ये मैं स्लाइस को गरम करके उस पर केचप लगा देती हूँ और एक स्लाइस पे मायोनीज लगा देती हूँ और फिर अंडा रख के और साथ में चाय बच्चों को दे देती हूँ, फिर वो बहुत मज़े से खाते हैं। तो ये मैं नाश्ता बनाने के बाद कुछ मेरे हस्बैंड गए थे आज सब्ज़ी मंडी तो उधर से फ्रूट्स और सब्जियां वगैरह लेके आए थे, उनको संभालना था। तो मैंने सोचा था पहले इधर से फ्री हो जाए। तो फ्री होने के बाद यही है कि एक काम छोड़ के और दूसरा काम पकड़ लो। तो बस यही हमारी लाइफ है जो बहुत मज़े की है। मैं तो सच में बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ को। मेरी ये आदत है कि मैं काम पकड़ती हूँ जल्दी जल्दी करके फिर मैं फ्री हो जाती हूँ। मैं माशाल्लाह से सारे काम भी घर के करती हूँ, अपने खुद ही सारे काम करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री भी हो रहती हूँ। तो बस ये थे कि ये लास्ट डेज ज़रा छोटे ज़्यादा होने की वजह से टाइम नहीं लगता था लेकिन अब जैसे दिन बड़े हो रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मिल जाया करेगा। तो अभी माशाल्लाह से टाइम मिलने लग गया कि बैठ के बंदा थोड़ा थोड़ी देर रेस्ट किया जाए या फ्री हो जाए। तो लास्ट डेज में सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ी और उसके अलावा दिन इतने छोटे होते हैं कि इंसान बस दो तीन काम करे और दिन ख़त्म हो जाता था। तो अब तो माशाल्लाह से इंसान को कहते हैं ज़िंदगी के साथ साथ हर बहार देखने को मिलती है, सर्दियाँ गई है गर्मियाँ आने वाली है।
तो वैसे तो एक सांस का और या एक दिन की तो दूर की बात, एक सांस का भी हमें इत्माद नहीं है कि ये हमें अगला सांस हमें आएगा कि नहीं। तो इंसान अपनी लाइफ के लिए बहुत कुछ सोचता है और बहुत कुछ करता है, लेकिन अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने औलाद दी है, औलाद की नेमत से नवाजा है, या अल्लाह हमें उनकी खुशियाँ देखनी है, अल्लाह ताला हमें किस्मत में करे। हमें बस बच्चों की खुशियाँ जाना तो हर इंसान नहीं है, अल्लाह ताला मोहताजगी से हमें बचाए, और दूसरे नंबर पे हमें अल्लाह ताला ने बच्चे दिए उनकी खुशियाँ हमें देखनी किस्मत में करें, कि हम अपने हाथों से उनकी हर खुशी को पूरा करें, उनको बड़ा बड़े होते देखें, उनके अपने अपने घरों में आबाद होते देखें। तो उसके बाद हमें अल्लाह ताला मोहताजगी ना दे, तो हमारा खात्मा ईमान पे करें। तो बस हमारी यही दुआ है। तो बाकी अल्लाह ताला सबको सबके घरों में अच्छा खुला रहमत और बरकतों वाला रिज़क अता फरमाए। तो ये माशाल्लाह से फ्रूट आया हुआ था, ऑरेंज पहले भी मेरे ये किन्नू पड़े हुए थे, ये वाले पहले वाले थे, और वो नए भी मेरे हस्बैंड किन्नू ले आए थे, और एक पल्ली वो माशाल्लाह से ऐसे ही फ्रूट लेके आते हैं, जब भी जाते खुला हाथ है उनका फ्रूट लेने में, तो माशाल्लाह से खुला ही फ्रूट लेके आना होता है। हालांकि सिर्फ मेरा बेटा है जो माशाल्लाह ज़्यादा शौक से खाता है, तो हमारी फैमिली में तो फिर यही होता है, अगर कोई गरीब बहन भाई पास हो तो उनको भी हमें याद रखना चाहिए। तो मेरी यही कोशिश होती है, बाकी अल्लाह ताला कबूल करे। तो जितना हो सके अपने इर्द गिर्द जो भी बहन भाई साहिबे ज़रूरत है उनको, जो साहिबे हसीयत है उनको देना चाहिए, और जिनको ज़रूरत है उन तक जितना हो सके उनको ज़रूर दें। तो जो भी चीज़ ले उसमें अपने नज़दीकी मुस्तहिक बहन भाइयों का हिस्सा ज़रूर रखे और उनको दे। बाकी अल्लाह ताला सबको तौफीक दे और सबके अल्लाह ताला कबूल करे, देना सबका अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे। यकीन माने सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब हम किसी, अब वो भी हमारे जैसे बहन भाई है जो, तब हम किसी मुस्तहिक को ज़रूरतमंद को दे तो वो दिल ही खुशी कहते हैं। इंसान को जब लगे कि उसका किसी चीज़ को किसी की मदद करके उसका दिल खुश हो, तो इससे ये समझा जाता है कि उसकी ये कबूल कर ली गई है, देना उसका अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल कर लिया गया है। क्योंकि जब भी हम किसी को अगर कोई चीज़ देंगे तो हमारे दिल को सुकून मिलता है, ये जाहिर सी बात है। तो अगर किसी मुस्तहिक को मिले चीज़ तो हमें सुकून मिलता है, तो वो हमारी अल्लाह की बारगाह में चीज़ कबूल हो जाती है। तो ये मैं नीचे से फ्री होकर ऊपर ही आई थी, तो मेरी सिस्टर बना रही थी आलू वाले पराठे, जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ मैं। तो माशाल्लाह से मेरी सिस्टर के पराठे बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मैंने सोचा, वो पराठे बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों से ये शेयर करूं। बाकी जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर अगर मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर उस पर प्लीज़ आप अच्छे आप भी अपना कमेंट्स से इजहार कीजिएगा। तो ये देखिए, ये तो माशाल्लाह सर्दियाँ हो और सर्दियों में मेरी सिस्टर बहुत पराठे बनाती है, तो माशाल्लाह बहुत मज़े के इनके पराठे होते हैं, मूली के पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, बहुत ही टेस्टी पराठे होते हैं। माशाल्लाह मेरी सिस्टर की रोटी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये अब मटेरियल बना के ये मिक्स कर रही थी, दोपहर के खाने में पराठे ही खाने थे। तो फिर ये होता है कि जब कोई ऐसी स्पेशल चीज़ हो तो हम इन बैठ के खा लेते हैं, अगर मैं कोई स्पेशल चीज़ बनाऊं तो हम मिलके खा लेते हैं, और मिलके खाने में तो बहुत ज़्यादा बरकत है, अल्लाह ताला ने बरकत रखी हुई है। तो माशाल्लाह से बहुत खुशी खुशी से कि हम फिर दोनों फैमिलीज़ ने बैठ के खा लेनी होती कोई भी चीज़ हो। तो ये आप लोगों के साथ शेयर हो रहे हैं जी, मेरी सिस्टर के स्पेशल आलू पराठे, आलू वाले पराठे। बाकी आज का ये वाला मेरा व्लॉग था, वीडियो थी जो मैंने आपसे शेयर की। बाकी आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा,
अपनी दुआओं में दिन रात बस कहते, किसी टाइम भी मुंह की निकली हुई दुआ, कोई टाइम ऐसी घड़ी होती है कि अल्लाह ताला मुंह से निकली हुई हर बात पूरी कर देता है। जो भी सोचे, अच्छा सोचे और अच्छा मुंह से कहे, क्या पता वो हमारी कबूलियत की घड़ी हो। जिस टाइम हमारे मुंह से कोई बात निकल रही हो वो हमारी कबूलियत की घड़ी हो। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचे और अच्छा बोले। जो बंदे की सोच अच्छी हो और वो बोलता अच्छा हो, अल्लाह ताला उसे हर चीज़ से नवाजता है। ये मेरी आजमाई हुई बात है। तो बस अपनी सोच अच्छी रखे। तो हाँ, अगर आपको कोई बुरा लगता हो तो उसको उसके हाल पे छोड़ दे, कि उसको बस ये कि बजाय कि आप उसके साथ कोई अच्छा बुरा बोले, उसको उसके हाल पे छोड़ दे। तो कहते किनारा कर ले, ये बात है, बस उस बंदे से आप किनारा कर ले तो आपकी भी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी और अल्लाह ताला आपको और बख्शेगा भी। बस अपनी ये है कि अपनी सोच समझ अच्छी रखनी चाहिए। तो बाकी ये देखिए, अब बन रहा है पराठा जो आपके सामने आज बनेगा। माशाल्लाह से बड़े बड़े पराठे होते हैं इनके। हालांकि मैं सही बात कहूँ, मुझे अभी तक मेरी रोटी बाई चांस अच्छी बन जाए बन जाए, लेकिन मुझे सच में रोटी इतनी अच्छी नहीं बनाने आती। तो कभी बहुत अच्छी बन जाती है तो कभी मुझे खुद पे अफसोस होता है कि मैं रोटी क्यों नहीं अच्छी बनती मुझसे। तो वैसे तो माशाल्लाह से सालन कुकिंग दूसरी करने में माशाल्लाह से मेरे हाथ में, मैं खुद नहीं, ये मैंने औरों के मुँह से सुना है, खुद मियाँ मिठू नहीं बन रही। तो माशाल्लाह से बहुत सबको पसंद आता है, लेकिन जो रोटी है वो मुझे खुद की नहीं, मुझे खुद को नहीं पसंद, और मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद। लेकिन अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, उन्होंने मेरे साथ ये कह ले के कंप्रोमाइज़ करने वाली बात है रोटी पर, तो वो माशाल्लाह से खा लेते हैं। तो कभी कभी तो अच्छी बहुत बन जाती है, लेकिन मैं चकोर पराठे जो सुबह को नाश्ते में बनते वो बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए अब पराठा बन चुका है। बस ये था आज का मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।